हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनबीएस के ऊपर मैं काफी सारे वीडियो बना दिए, तो उस पर आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से एक कमेंट काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि जब हम एनबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डाउट काफी सारे स्टूडेंट का आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस डाउट को मैं क्लियर कर दूं कि किस तरीके से एनबीएस में पोस्टिंग दी जाती है और क्या सिनेरियो रहता है, आपको होम पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो कैसे मिलती है, कब मिलती है, क्या कुछ उसके लिए करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर नए हो और एनबीएस के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एनबीएस जुड़ी प्रत्येक पल पल की अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं एज अ खुद एनबीएस में एज अ जीएस में वर्क कर चुका हूँ लास्ट ईयर ही, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या कुछ एनबीएस के अंदर होता है, ठीक है। और हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ कंप्यूटर की, जीके जीएस हिंदी इसके बारे में, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश की हो सकेगी तो मैं काको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, और नीति सर को भी मैंने अप्रोच किया हुआ है जो कि आपके फेवरेट है मैथ्स के लिए, तो उनको भी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उनके पास थोड़ा समय नहीं है, फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अगर वो आते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो देखते हैं नीतेश सर का क्या रहता है, मैंने आपके लिए बट कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं एनबीएस में होम पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती। तो जी हाँ, आपको एनबीएस के अंदर होम पोस्टिंग मिल सकती है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पहले तो आपके जो मेरिट लिस्ट में जो पोस्टिंग दी जाती है, जो एनबीएस के अंदर पोस्टिंग दी जाती है किसी भी पोस्ट के लिए, वो दी जाती है आपकी मेरिट वाइज, यानी कि जिसके टॉप नंबर होंगे उसको नज़दीकी स्टेशन दिया जाता है, नज़दीकी स्कूल में उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा कि आपको आपके घर से उतनी कम दूरी मिलेगी पोस्टिंग के लिए। सेकंड थिंग कि अगर आपको होम आपके नंबर ज़्यादा है फिर भी आपको होम पोस्टिंग नहीं मिली, तो उसका कारण ये है कि आपका जो होम है वहाँ पर उस जगह जितने भी एनबीएस अवेलेबल हैं वहाँ पर हो सकता है कि पोस्ट ही ना हो, तो वो फिर कैसे देंगे, तो फिर वो आपको थोड़ा डिस्टेंस पर वो पोस्टिंग दे सकते हैं। सेकंड थिंग ये हुई, ठीक है। चलो मान के चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है और तुम्हारे नंबर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब रैंक मेरिट थोड़ी ऊपर चली जाती है, हालांकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद क्या सिनेरियो रहेगा कि हमें कब तक हमारे घर पर पोस्टिंग मिल सकती है, कब तक हम ट्रांसफर ले सकते हैं। तो मिनिमम आपको 3 साल तक जॉब करना होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। देखिए नॉर्मल प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको शायद 5 साल का ऐसा रहता है, जो वेरी हार्ड या हार्ड स्टेशन रहते हैं वहाँ पर 3 साल और 2 साल की सिचुएशन रहती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होते हैं 3 साल और 2 साल, जैसे मेरा जो रीजन था वो हार्ड स्टेशन में आता था, और इसके अलावा वेरी हार्ड भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हुआ, लद्दाख रीजन वगैरह हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आते हैं हार्ड सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 2 साल, अगर आपकी इनिशियल पोस्टिंग वहाँ होती है हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन पर, तो वहाँ पर 2 साल और 3 साल का क्राइटेरिया था, वेरी हार्ड पर 2 साल है और जो हार्ड स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपको 3 साल तक मिनिमम जॉब करना होगी। उसके बाद इसके ईयरली, इसमें ये अच्छा है कि अगर एग्जाम वगैरह नहीं होता, ईयरली इसकी एक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव निकलती है, उसमें आप भर दें, आप जैसे इनिशियल पोस्ट होंगी तब भी आपको भर सकते हैं, बट आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मिलेगा जब आपका जो टाइम पीरियड है जिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है उसके लिए जो समय निर्धारित है कि इतनी आपको जॉब यहाँ पर करनी ही होगी 2 साल 3 साल, वो आप वहाँ पर करेंगे, उसके बाद एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में आपका डाटा जाएगा, और वहाँ पर उसके इसके भी चांस है कि अगर वहाँ पर भी पोस्ट खाली नहीं है तो आपको नहीं देंगे, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर वहाँ आपने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव आई हर हर साल जुलाई जून जुलाई के मंथ में आती है, अगस्त के मंथ में, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर देते हैं, 3 साल जब आपके 2 साल हो जाते हैं फिर भी आपको अगर नहीं मिलती, तो उसके पीछे का रीज़न है कि वहाँ पर पोस्ट ही खाली नहीं है ना, वहाँ पर पोस्ट खाली नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, और पोस्ट खाली होगी तो तुरंत आपको आपके होम स्टेट में या जहाँ पर, तो दोस्तों जहां पर भी आपके एनबीएस के जो आपके होम है डिस्ट्रिक्ट में, अगर वहां पर पोस्ट खाली तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी दोस्तों। और लड़कियों के केस में क्या होता है, अगर लड़कियां ये सोचती हैं कि हमें दूर पोस्टिंग दी जाएगी, तो हाँ आपको भी दूर पोस्टिंग दी जा सकती है और नज़दीक भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लड़कियों को उनके नज़दीक होम स्टेशन में पोस्टिंग दी जाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है, बट अगर जब वेकेंसी ही अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे देंगे, तो आपको दूर भी दिया जा सकता है। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, जो कि बिहार से बिलोंग करती है, और उसे जो पोस्टिंग मिली थी वो मिली थी मणिपुर में। भाई वहाँ जाने के लिए भी ना इतने साधन नहीं है, भाई ऑटो से जो उसका रेलवे स्टेशन है वहाँ से अगर ऑटो से भी जाते हैं तो वहाँ से भी 400 से 500 रुपये का खर्चा आता है मिनिमम। तो ऐसी ऐसी स्टेशन, ऐसे ऐसे लोकेशंस पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत दूर दूर, मेरी खुद 2500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग थी, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि रैंक में टॉप पर थे, उन्हें उनके नज़दीकी होम स्टेशन मिल गया, 4 घंटे की रास्ता, 3 घंटे की रास्ता, 5 घंटे की रास्ता। एक मेरे फ्रेंड है बीर जी करके, तो वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको जॉब मिली है मानसा में, उनके घर से 101 किलोमीटर के आसपास है, 100-150 किलोमीटर, 2-3 घंटे उनको लगते हैं। तो होम पोस्टिंग भी आपकी होती है अगर आपकी रैंक अच्छी है, लेडीज़ फीमेल के लिए देखें तो वो ज़्यादातर उनको होम पोस्टिंग देने के लिए अप्रोच करते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपको दूर पोस्टिंग मिली है
तो आप पहले ही जाके, है ना, पहले ही जाके आपका डीबी हो चुका है, और पहले उसके बाद आप एक बार चले आना, बोल देना कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है दूर नहीं आना है, तो उनको प्रॉब्लम बताना, जेन्युइन होगी तो आपको वहाँ पर पास के नज़दीकी स्टेशन में दे सकेंगे, बट एक बार जब पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपका डाउट क्लियर होगा कि MBBS में होम पोस्टिंग मिलती है नहीं मिलती है। तो जरूर मिलती है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए MBBS के प्रत्येक पोस्ट के लिए, जैसे हुए अदर पोस्ट हुई, डिटेल्ड सिलेबस, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक्स और मेरी क्लासेस के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, और हमारा जो नेक्स्ट दूसरा चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके प्रिपरेशन के लिए, उसको फॉलो जरूर कर लेना। मैं खुद एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होती है, मैं फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूँ। और इस सैटरडे संडे तो नहीं, क्योंकि होली दिवाली होली है ना, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे जितने भी डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। मैं रात में वीडियो बनाना पड़ती है मुझे, ठीक है। तो ये दोस्तों है ना, थोड़ा टाइम का मैनेज करता हूँ, तो उसके लिए ये है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है मुझे कमेंट जरूर करना, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपके इसी तरीके से डाउट क्लियर करने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।